हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे बेसिक स्टडी एंड ऑल नॉलेजिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा कुछ नया जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कि आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी या वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, और इसके लिए आपको अपना वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है या कोई दूसरा जुड़ा है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसका वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में टाइप करना होगा NVSP, और NVSP.in के वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जब आप NVSP.in के वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम हमेशा अपने चैनल पर कुछ नई चीज़ें और फेक वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ें ही अपलोड करते हैं। और आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर कैटेगरी वाइज सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। NVSP.in वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका इस वेबसाइट पर अकाउंट होना जरूरी होता है, क्योंकि अकाउंट रहेगा तभी आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप पहले अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना लॉगिन करके ओपन कर सकते हैं। नहीं अकाउंट बनाया तो आई हैव डोंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मोबाइल नंबर और कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP डालकर आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी है और उसका EPIC नंबर है, तो आप आई हैव EPIC नंबर पर क्लिक करके अपना EPIC नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आपका EPIC नंबर नहीं है, तो आई डोंट हैव EPIC नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर अपना पर्सनल डिटेल डालकर पासवर्ड बनाकर रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना लॉगिन कर ले रहे हैं। तो इसमें लॉगिन करने के लिए आपका वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगता है और कैप्चा कोड भरना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर ले रहे हैं। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करेंगे तो हमारा ये डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो हम अपने अकाउंट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड EPIC या फिर यहाँ से भी आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं। उसके लिए अगर आपके पास EPIC नंबर है तो आप EPIC नंबर डालकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि EPIC नंबर नहीं है, अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए हैं तो आपको रेफरेंस नंबर मिलता है। रेफरेंस नंबर के द्वारा भी आप अपना रेफरेंस नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास EPIC नंबर है तो हम अपना EPIC नंबर डाल रहे हैं। और स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका कुछ नंबर, नाम और गार्जियंस नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखा देगा। तो यहीं पर अगर आपके जब डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, यदि आपके वोटर आईडी में मोबाइल नंबर नहीं ऐड है या मोबाइल नंबर किसी और का ऐड है, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है यू डोंट हैव यूनिक मोबाइल नंबर, तो आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, इसका हम वीडियो पहले से बना चुके हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब डाउनलोड करना होगा तो यहाँ तक आएंगे, तो अगर मोबाइल नंबर सही से ही रहेगा तो यहाँ पर फिर लिखा रहेगा सेंड OTP। जब सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP जाएगा तो OTP फिल करेंगे आप। OTP आपके मोबाइल रजिस्टर पे जाएगा तो OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे लिखा है ओटीपी वेरिफिकेशन डॉन, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद डाउनलोड ईपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हैंड नहीं बन रहा है, फिर भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हैंड नहीं बन रहा है माउस ले जाने पर, लेकिन फिर भी वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी का भी अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके आप दुकान पे जाकर अपना ओरिजिनल वोटर कार्ड या वोटर आईडी बनवा सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल आप इसे अपना ही डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने में थोड़ा समय लग रहा है, फिर उसके बाद आपका वोटर कार्ड बनकर डाउनलोड हो जाएगा एकदम ओरिजिनल, जिस तरह आधार कार्ड या पैन कार्ड बनकर आता है। देखिए यहाँ पे हमारा वोटर कार्ड डाउनलोड हो गया है, अब हम इसको ओपन करके आपको दिखा सकते हैं। ये है हमारा वोटर कार्ड, यहाँ पे इसको आप निकलवा कर लेमिनेशन करवा सकते हैं, आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों या अपने मोबाइल में जितने नंबर हैं उन सभी लोग के पास इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स।